मेरी रेसिपी आपके लिए अच्छी लग गई थी और शेयर की थी। चले केएफसी बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक बार देख लिए वीडियो सबसे पहला, बाद में बनाइए। चले अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, चिकन केएफसी बनाने के लिए इस तरह रेसिपी मैं रेडी किया है अभी। चले दोस्तों इसी तरह बनाते हैं, शेयर कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड, केएफसी बनाने के लिए ये पूरा रेडी कर लिया है मैं। तेल, मुर्गी, ब्रेड क्रम, तीन अंडा, रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक। अब मुर्गी से काट लिया हमें, अच्छे से काट लेने का। आप चाहे तो 8 पीस भी कर सकते हैं, मैं 4 पीस किया 1 किलो मुर्गी का। देखिए ऐसे काट लिया हमें, ऐसे काटेगा तो मुर्गी अंदर से अच्छा पकेगा। चाकू अच्छे से काटना है। तीन अंडा है, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, ब्रेड ग्राम देखिए मोटा वाला, मतलब बारी वाला नहीं है। मैदा 5 स्पून है, बड़ा स्पून। आप चाहिए तो चिकन पाउडर मसाला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी मैं पहले नमक लगा रहा हूँ, नमक ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, टी स्पून में का आधी है, तो बस बड़बड़ हो जाता है। अच्छे से लगा के, मसाला लगा के 1 घंटा या आधा घंटा कितना देर रखे उतना देर आपको के लिए अच्छा है, मसाला अच्छा पकड़ेगा। रखने के बाद रेड चिली पाउडर डाला है, पूरा मसाला लगा के मैं थोड़ी देर रखूँगा, तकरीबन इन्हीं समय एक आधा घंटा रखना चाहिए। देखिए मैं अच्छा काट लिया है, आप चाहिए तो 8 पीस कर लिए आराम से, थोड़ा आधा लहसुन का पेस्ट भी लगाएगा अच्छा है, लेकिन मैंने लगाया, ऐसा लगा तो बहुत टेस्टी आता है। अभी देखिए तीन अंडा फोड़ गया अच्छे से, अच्छा से मिक्स कर लेके अंडा। अंडे में मैं नमक नहीं डाला, अब इसमें डाल दिया है ना, वही नमक है। देखिए फ्रेंड, अभी मैदा, ये मैदा है मुर्गी, मैं 1 घंटा रख लिया था मुर्गी। चारों को अच्छे से पोस लेने का, ये मसाला पूरा लगाने के बाद ये आटा अच्छे से पोस लेने का, बाद में अंडे में डुबा के, बाद में ब्रेड ग्राम, कोई भी ब्रेड ग्राम चलेगा, लेकिन थोड़ा मोटा वाला रहेगा तो थोड़ा मुर्गी फ्राई करने टाइम अच्छा दिखेगा। अभी हो गया है, मैं रख लिया था। अभी देखिए अच्छा से अंडा पूरा मुर्गी को लगने का, पूरा आटा हो, ब्रेड ग्राम हो, अंडा का अंडा भी हो, अच्छे से लगेगा तो मुर्गी को ये पूरा तीन भी अच्छे से पकड़ेगा। मुर्गी पूरा उसे लगाने के बाद मैं डीप फ्रीज में 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना टाइम है उतना टाइम रखेंगे, तो थोड़ा अच्छा वो आइस होके थोड़ा पकड़ेगा, बाद में इसके बाद में फ्राई करेगा तो एकदम नंबर 1 आएगा। ये स्टॉक भी बना के रख सकते हैं, अभी भी चाहिए तो हम लोग फ्राई करके खा सकते हैं, 1-1 पीस भी हम लोग खा सकते हैं। 4 पीस एक ही बार तलना बोल के क्या जरूरी नहीं है, 1-15 दिन के बाद भी हम लोग फ्राई करेंगे तो कुछ भी ख़राब नहीं होएगा। देखिए दोस्तों ऐसा एक एक करके मैं 4 पीस लगा लूँगा, अच्छे से ब्रेड क्रम ऊपर डालना चाहिए। एक मुर्गी को 3 अंडा बराबर हो जाता है, ये 3 पीस लगा रहा हूँ। देखिए अच्छा नीचे ऊपर आगे पूरा लगाने का, ये हाथ से लगाएगा तो अच्छे से पकड़ेगा, क्यों नीचे ऊपर अच्छा तो आप लोग डाल सकते हैं हाथ से, स्पून से लगाएंगे तो लगेगा नहीं। देखिए मैं लगा लिया है पूरा, अभी नेक्स्ट है उसको फ्रिज में रखने का है, फ्रिज में रखेगा तो अभी अच्छा से पकड़ेगा। क्या फ्रेंड मेरी वीडियो
प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं अगली बार और अच्छे 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 वीडियो बनाता रहूँगा, आपके दोस्तों लोगों को ये वीडियो काम आएगी। देख ले फ्रेंड, अच्छे से आटा पकड़ा है, मैं पूरा रेडी कर लिया है अभी। फ्राई पैन रख लेंगे, तेल गरम कर लेंगे, पैन फ्राई करेंगे। अभी इसमें एक घंटे के लिए मैं रख दूंगा। आप लोग चाहिए तो अभी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पकड़ना चाहिए वो आटा, ब्रेड गरम पकड़ेगा अच्छा पूरा। अभी तेल गरम कर लेके मैं निकालूंगा। फ्रेंड तेल गर्म हो गया है, मुर्गी बराबर 20 मिनट पकना चाहिए, तेल गर्म होना चाहिए डालने में। मुर्गी अच्छा तेल में भुनना चाहिए, भुनना चाहिए, तेल ज़्यादा चाहिए मुर्गी फ्राई करने के लिए। बारीक आंच में लाल कलर आने का फिर 20 मिनट पकने का मुर्गी। फ्रेंड जैसा लाल हो गया है, लाल होने का देखो बहुत बहुत अच्छा है। देख लेना फ्रेंड कैप्सी मेरी रेसिपी, अच्छी लगी और शेयर कीजिए, और अगली बार और अच्छी रेसिपी से आपके पास आऊँगा।